कसरावत गुलाबबाई यादव स्मृति ट्रस्ट बोरावा द्वारा सुभाष यादव डिग्री महाविद्यालय बोरावा एवं गुलाबबाई यादव की स्मृति शिक्षा महाविद्यालय बोरावा के संयुक्त तत्वावधान में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विवेक जैन सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति कसरावत एवं विशिष्ट अतिथि अंकित जैन के साथ पैरालीगल वॉलंटियर अकील खान अथर्व व्यास स्टेनो आशीष अर्जरे मौजूद रहे। महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा समस्त महाविद्यालय के छात्रों एवं स्टाफ को संविधान के संरक्षण एवं उसके पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं सिविल जज विवेक जैन द्वारा छात्रों को संविधान की प्रस्तावना का अर्थ विस्तार पूर्वक समझाया गया एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं को अपने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करने पर बल दिया गया। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। हिंदी मीडियम से लेकर है इंग्लिश मीडियम वाले प्रोफेशन मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश भी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल होंगी, उसको पढ़ने के लिए उसको समझने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने इंग्लिश सीखी। इंग्लिश सीखने का मेरे घर पे मेरे यार दोस्त में बोलने में कोई माहौल नहीं था, तो मैं किसके साथ इंग्लिश में बोलूं? तो मैंने उसके लिए एक काम किया, मैंने क्रिकेट की इंग्लिश कमेंट्री सुनना शुरू किया, और जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो मैं वहां पर इंग्लिश में कमेंट्री करता था। किसी को समझ नहीं आती थी शुरू में, जो मेरे साथी संगी थे हंसते थे कि ये देखो पागल बोलता है, कोई मतलब सुना सुन रहा है ना समझ रहा है बोले जा रहा है, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं बोल रहा था, मैं किनके लिए बोल रहा था। तो वो बोलते बोलते इंग्लिश मेरी जुबान में ऐसे बैठ गई, फ्लुएंट हो गई कि मैं तुम्हें लोग बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। मैं अपने घर में भी क्या करता था, मेरे घर में मेरी माता जी को मेरे भाइयों को नई इंग्लिश समझ आएगी, हमने क्या कहा कि हम कैसे होंगे पंथनिरपेक्ष होंगे, ठीक है? तो पंथनिरपेक्ष मतलब है कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी एक पर्टिकुलर धर्म के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर धर्म को अडॉप्ट नहीं करेगा, सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। तो ये पंथ निरपेक्ष हो गया, है ना? तो डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट क्या हुआ, समाजवादी का मतलब। इन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो हम अगर सिर्फ बोलते हैं उस बारे में जानिए, और अभी से लग जाइए, आप ये मत सोचिए कि मेरी बीए एमए बीएससी बीकॉम या मेरी बीएमएम पूरी हो जाएगी तो बाद में देखूंगा क्या करना है। अभी से आपको देखना होगा, सोचना होगा, तय करना होगा कि आपको क्या करना है, उसके लिए मुझे किस तरह के सिलेबस को पढ़ने की जरूरत है, और सिलेबस में कहां से पढ़ूंगा, कहां से वो लिटरेचर मेरे पास आएगा, क्या चीज मैं इंटरनेट से लूंगा, क्या चीज मुझे बुक से पढ़नी पड़ेगी, बुक की कौन सी बुक, कौन सा राइटर की बुक, कितने बुक पढ़नी पड़ेगी, वो सारा अभी से तैयार कीजिए और अभी से धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करिए। जनरल नॉलेज मैं अपनी जानकारी बढ़ाई, जनरल नॉलेज की बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स उपलब्ध है, यूट्यूब पर बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर उपलब्ध है, उनको आप जानिए, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। यकीन मानिए जब आप अपनी जनरल नॉलेज जब पढ़ेंगे, आज से पढ़ना शुरू करेंगे, 3 महीने बाद जब चल के आप बैठे होंगे, किसी से वार्तालाप कर रहे होंगे, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। आज से आप अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। हम शपथ लेने के लिए सभी यहाँ खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पे। हम शपथ कैसे लेते हैं प्लीज आप लोग रिपीट करेंगे मेरे बोलने के बाद। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगी जो विधि द्वारा स्थापित है तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखूंगी तथा अपने कार्यालय के कार्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से तथा बिना भेदभाव के रखूंगी। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।